सेकंड, समीर कुरैशी अपने आप को काजी, अपने आप को म्यूट करें, मुझे फीडबैक आ रहा है कहीं सर बच्चों की आवाजें नहीं, म्यूट करें। हाँ जी बिल्कुल, मेरे तरफ से नहीं है सर। हेलो आदम भाई, मेरे तरफ से नहीं है। एडम भाई, एडम भाई, समीर बाकी सब म्यूट कर लो, बच्चों की आवाज मेरे तरफ से नहीं है। बाकी सब लोग अपनी तरफ से म्यूट करें, फीडबैक आ रहा है। हाँ म्यूट कर लो ना, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलेगा। हाँ बात अभी ये चल रही थी एडम, कि अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस बात को लॉजिकली साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह को कैसे देख सकते। नहीं इस्टाइल भाई, 4581 पढ़ो फिर ये चैप्टर खत्म होगा। भाई अरे फ्री थिंकर भाई थोड़ा रुक जाओ ना, अभी जब मुस्लिम बीइंग भाई ने बोला कि आप मासूम है, आपको जवाब नहीं मालूम है, आप ऐसे ही बोल दे रहे हो मासूमियत, इसलिए तो बोला ये हदीस लाओ प्लीज। सही अल बुखारी 4581 लाओ प्लीज, मुझसे ज्यादा ही लाइव कर दो यार। हाँ मुस्लिम बीइंग भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, आप साबित नहीं कर सकते हो लॉजिकली कि अल्लाह फिजिकल भी नहीं है और उसके बावजूद जन्नत में एक जन्नती जो है वो उसका दीदार कैसे कर पाएगा, ये आप साबित नहीं कर सकते। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको, आप मुसलमान हैं, आपको ये पता होगा कि मुहकम और मुतशाबिहात का जिक्र भाई, हम मुसलमान, हम मुसलमान वाली हैसियत से पूछ ही नहीं रहे ना भाई, हम तो एक्स मुस्लिम। मैं आपको उस हैसियत में था, मैं तो अपना एपिस्टेमोलॉजिकल एविडेंस आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो अपने उसमें से आप यानी आप लॉजिकली इसको साबित नहीं कर सकते तो बोल दीजिए नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ ना, मैं जब मैं आऊंगा कंक्लूजन पे तो आप उसके बाद आप अपना कंक्लूजन आप निकालिएगा उस वक्त, ठीक है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उसने, देखिए हमारी एपिस्टेमोलॉजी में दो चीजें हैं, कुरान में दो किस्म की आयात है और इस तरीके से नबी पाक सल्लम को अगर कोई उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया या कुछ बयान किया उसके अंदर भी दो चीजें हैं। जो ख्वाब होता है उसको देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसकी तावील में मसला है, यानी उसकी तावील क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। सुन ले मुस्लिम बीइंग भाई, नहीं ये इससे आपने मुझे, लेकिन मुझे सुनो ना मुस्लिम, एक मैं 10 सेकंड अपनी बात रख लो फिर आप अपनी बात रखो। अभी इस पे बात ही नहीं हो रही है कि वो ख्वाब का मामला था या नहीं था, अब हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वो फिजिकल नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर फिजिकल नहीं है वो तो जन्नती उसका दीदार कैसे करेगा और अल्लाह उसको शराब कैसे पिलाएगा अपने हाथों से। जी इस पे बहस है अभी, वो ख्वाब का छोड़ दीजिए आप, ये बात पे बताइए कि कैसे करेगा, इसको लॉजिकली बताइए। जी जी बिल्कुल 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 ठीक है, मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई है, मैंने आपको असल में जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला कैसे दीदार कराएंगे और वो अपने हाथ से कैसे शराब पिलाएंगे, ये चीजें होती हैं मबनी बर तावील, इनको मबनी बर तावील कहते हैं हमारी उस फिकह की इस्तलाह के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि हम इसकी तावील नहीं कर सकते, मानी तो जान सकते हैं इसकी तावील नहीं कर सकते, यहां पर हम मजबूर है, महज है, इसको दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर हम अल्लाह ताला का जिस्म तस्लीम करें, अल्लाह ताला का जैसे ही आप जिस्म तस्लीम करेंगे आप उसको मैटर बना रहे हैं बुनियादी तौर पर, ठीक है भाई। आपकी बात मान लिया फिर ये बात का आपका रद्द हो जाता है कि अल्लाह अपने आप को दिखा पाएगा, अगर उसका जिस्म नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे दिखा पाएगा, कैसे शराब पिला पाएगा हाथों से, ये इसका ये बात का कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इसका जिक्र कुरान में नहीं आया, इसका जिक्र अहदीस के अंदर आया, जब चीजें अहदीस में आती हैं तो वो तावील की वजह, मैं यही बता रहा हूँ ना, अगर तो कुरान में अगर लिखा है तो मुझे दिखाएं, मैं तावील नहीं कर सकते हो ना, नहीं अगर कुरान में ये बात लिखा है कि अल्लाह ताला दीदार कराएगा तो दिखा दे मुझे। एडम सीकर साहब तो जी अल्लाह अपनी शिन उस दिन जाहिर करेगा मुसलमानों के लिए, आपको नहीं पता कुरान में के अंदर है, अगर मैं चले चले अगर मैं कुरान में दिखा गया जी दिखाए हैं दिखाए बिल्कुल, मैं वो यार टेंशन क्यों ले रहा है भाई, पहले हाइपर ना हो यार, अल्लाह माफ करेगी मैं क्यों वहां पर होगा। हां अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कुरान में आपको ये दिखा गया, ठीक है अल्लाह का शिन क्या करेंगे, 83:15 में है, नहीं आपने मुझे ये बताना है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे, ये बताना है आपने कुरान। जी जी 4581 में लिखा है, सही बुखारी में यार, वो भी है यार, आप सारे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं यार, टेक अ चिल पिल यार, टेक अ चिल पिल, जरा मुझे भाई के साथ थोड़ी सी गप तो कर लेने देना। अच्छा हाँ ये देखे, अल्लाह मियाँ दीदार करवाएंगे अपनी शिन का, शिन कैसे कहते हैं दिखाएं किधर है, किसे कहते हैं शिन, मुझे नहीं पता यार इंग्लिश पिंडली को, पिंडली को कहते हैं ना शिन,
अच्छा भिंडी को कहते हैं, कितने बेवकूफ हैं जी, बताएं बताएं बताएं, साग साग किसे कहते हैं, साग, ये ले कुरान चैप्टर नंबर 68 सर, साग साग सीन अलिफ काफ दो डबल डबल ज़ेर, आयत नंबर बताएं जी, आयत नंबर क्या, जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे, जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कफार सजदे के लिए बुलाया जाएगा, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। यार हिंदी में क्या लिखा हुआ है यार, मुझे पढ़नी नहीं आती हिंदी, उर्दू कर ले, उर्दू ऊपर लिखी हुई है, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वो बुलाए जाएंगे, अल्लाह मियां उस दिन अपनी पिंडली पर से कपड़ा हटा देंगे, ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह मियां पिंडली से कपड़ा हटाएंगे, ये कहाँ लिखा है, ये किसकी पिंडली है, मोहम्मद की पिंडली है यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, कौन सा स्कॉलर लेके आते हो जो बताए कि अल्लाह की पिंडली नहीं है, गिव मी वन स्कॉलर, बताए ना, अल्लाह कह रहा मैं अपनी पिंडली लेके आऊंगा, ये कहाँ, तो और कौन उड़ा रहा है, ये किसकी पिंडली है, अल्लाह की मेरी, पिंडली का मतलब ये है कि जिस दिन ये यानी जो हकीकत पर से हजाब हटा दिया जाएगा, इसका ये मतलब है, किस बोंगे ने तुम्हें बोला, आज का किस स्कॉलर ने, आप मुझे बता देना, आप बताएं कि अल्लाह ने अल्लाह की पिंडली, अल्लाह की पिंडली साबित करी भाई, अभी थोड़े देर पहले कह रहे थे कि हम तावील नहीं कर सकते, अभी तो आपने तावील कर दी, मैंने कहा तावील किया, आप तावील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अल्लाह की पिंडली, आप बताए ना, आप बताए कहाँ लिखा हुआ अल्लाह की पिंडली है, मैं तो आपको कह रहा हूँ ये बराए हजाब बात है, यानी जब हजाब हटा दिया जाएगा, नहीं आप देखें, आप ये साबित करें कि ये अल्लाह की पिंडली है, ये साबित करें, अबे यार मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है आप बोंगे हो गए, आपको नहीं पता, आप मर गए हैं यहाँ पे, आप फिनिश है, यूर फिनिश्ड, मैं फिनिश, तिबरी दिखाऊं, तिबरी दिखाऊं, इब्ने कतीर दिखाऊं, कुर्तुबी दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं बताइए जी, दिखाएं 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 मुझे दिखाएं, भाई पूछ रहा, अगर मैंने यहां पे साबित कर दिया, अगर मैंने भाई मैं मजबूत कर दूंगा, मुझे मजबूत करने में मसला कोई नहीं, अगर यहां पे मैं ये साबित कर गया क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे ना उसको, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आई डोंट केयर अबाउट देखेंगे ना, आपको अगर इतना यकीन है ना तो फिर देखेंगे नहीं होगा, फिर यहाँ पे आप कहेंगे मैं अभी अभी मानूंगा कि हाँ अल्लाह मियाँ की पिंडली है, देखेंगे नहीं फिर होगा, नहीं हम मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुफ्त का, और आप मुझे बात करें नहीं, आपने एक हुज्जत रखी, अगर मैं आपको साबित कर दूं कुर्तुबी के जरिए, क्या करेंगे, चले साबित करें, नहीं चले साबित करें नहीं, उसके बाद मानेंगे अल्लाह फिजिकल है, नहीं लेकिन आपने साबित पता किस तरह होता है, साबित इस तरह होता है, आई डोंट केयर, मैंने आपको बताया, नो देन लीव इट, then it is time for you to prove me otherwise, main aapko bata raha hu na, main bata raha hu ki aapne sabit kya karna hai, aapne sabit mujhe kisi ka call nahi dikhana, aapne mujhe uske ijma dikhana hai, ijma to aapka ek cheez mein nahi hai, ijma to is cheez mein nahi hai ki aapka yafur jo tha uska rang brown tha ya kala tha ya chitta tha, ijma to aapka amb pe nahi hai ki amb khana hai ki nahi khana, roze pe hai, har cheez pe, roze pe kya ijma hai, roza kis waqt shuru karna hai, kis waqt khatam karna hai, रोजे का कुफारा किस तरह देना है ये नहीं आप लोगों को पता, इस पे जमा नहीं है, रोजे का कुफारा आप सफर में जाएंगे तो रोजा छोड़ना है या नहीं छोड़ना, फर्ज में छोड़ना है या सुन्नत में छोड़ना है, यार इजमा आपका अंब पे भी नहीं है, मुझसे इजमा इजमू की गेम में डाला करें, अब आपकी यहाँ पे वाट लग गई है, आप यहाँ आपकी यहाँ पे वाट लग गई है तो आप इस तरह की गेम करेंगे, वाट नहीं लगी, आपने मुझे दिखाना है कि इसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि ये अल्लाह की पिंडली है, ये साबित करना है आपने, उम्मत का इजमा किसी एक चीज पे दिखा, चल नमाज पे, वन थिंग जिस पे उम्मत का इजमा है, नमाज पे इजमा है, चलो दिखाओ नमाज पे इजमा, इजमा इजमा कैसे, नमाज कैसे करनी है, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक सब नमाज पढ़ते हैं, और भाई मुझे नमाज कैसे पढ़नी है उसका इजमा दिखा, मुझे मैं भाई बता रहा हूँ ना, आप किसी मुसलमान को जाए यार नमाज नहीं होती, यार मैंने कहा है कि नमाज कैसे पढ़नी है उसका इजमा दिखा, ये उसकी एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे कुरान ओनली मुस्लिम ये कहते हैं कि नमाज पढ़नी नहीं होती, नमाज सिर्फ कायम करनी होती है, लिहाजा वो पांच नमाजों पर यकीन नहीं रखते उस तरीके से, लिहाजा मुझे ये मत बताओ अभी, मुझे इजमा आपका किसी चीज पे है ही नहीं, झूठ क्यों बोलते हैं, है बिल्कुल है इजमा, ओके गिव मी वन थिंग, जिस पे इजमा है, कुरान पे इजमा है, नमाज कुरान पे भी इजमा नहीं है, मुराको के अंदर, मुराको के, यार एक सेकंड एक एक चीज, मुराको में वर्ष कुरान चलता है, उसके अंदर कम से कम 2500 डिफरेंसेस हैं आपके हफ्स कुरान के नस्बत, कुरान पे भी इजमा नहीं है, और चल कौन कहता है कुरान पे इजमा नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, मोराको में हाफ वर्जन है कुरान का, झूठ बोल रहे हो, मैंने पढ़ी हुई है, तुम्हें आम का पता नहीं है, कालून सब पढ़ा हुआ है, आप ठहरे एक मिनट, मैं बताता हूँ इजमा कहाँ से है, हाँ मैं इजमा बताता हूँ, इजमा कहाँ से है,
किरत मुतवातरा पर इजमा है, किरत मुतवातरा है ही नहीं इजमा है ना, किरत मुतवातरा है ही नहीं, 28 किरत कैसे हो गई, 28 नहीं है, 76 किरत है, 76 आपको किसने कहा 28 है, 76 तो हदीस में दिखा 76 किरत, बहुत सारी हदीस हदीस में 76 किरत दिखा, आप 28 दिखा दे हदीस में सही वाली, हदीस में 76 किरत दिखा, हदीस तो 7 से आगे चलती नहीं, सबा हरूफ से आगे गेम नहीं चलाती, किरत की बात ही नहीं है, वो 7 नहीं वो 11 वो 12 भी बताते हैं किरात के अंदर, 12 कौन सी हदीस में, बुखारी में 7 है जिसमें 5 कमजोर है, इसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं है, 5 कमजोर है, तू 56 था, तू 75 पे आ गया था, अरे झूठे, अबे झूठे, करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, झूठे इंसान, मैडम एडम मेरे ख्याल से मुस्लिम बीन भाई एक मिनट जी मुस्लिम बीन भाई असल में देखो आपका हाल खत्म हो गया है, आपके पास साबित करने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप बात को साबित नहीं कर सकते कि अगर अल्लाह फिजिकल नहीं है तो लोग उसको देखेंगे, क्योंकि आपकी बात खत्म हो चुकी है, आज का टॉपिक खत्म हो गया, तो दूसरी तरफ जा रहा है, ये आवाज आ रही है कहीं से शायद, समीर काजी को मैंने म्यूट किया जी, साहिल बोलिए, हाँ मैं बोला खत्म हो गई बात, अभी दूसरे टॉपिक पे जा रही है बात, नहीं नहीं मेरी किसी दूसरे टॉपिक पे नहीं जा रही, वो असल में वो लेके जा रहे हैं उस दूसरी टॉपिक पे ना, मैंने इनसे ये कहा है इनका आर्गुमेंट खत्म हो गया ना कि आप साबित नहीं कर सकते अल्लाह को कैसे देख सकते हैं, भाई मैं ये कह रहा हूं कि इस ये तो अमूरे मुतशाबिहात है ना, अमूरे मुतशाबिहात में मैं कैसे वही बात हो गई ना कि आप नहीं साबित कर सकते भाई, मुतशाबिहात बोल के आपने ये मान लिया कि आप साबित नहीं कर सकते, चले मुझे एक बात बताएं, दुनिया के अंदर मोहब्बत प्यार नफरत ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, करती हैं साहिल भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, नफरत एग्जिस्ट करती है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, बताएं ना, ये फीलिंग है फीलिंग, ओ भाई साहिल भाई खामोश क्यों हो गए, बताएं ना, वो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, सुन आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आप बोलिएगा दोबारा, ये जो बोल रहे हो ना आप ये फीलिंग है, मेरे ख्याल शायद मेरा कोई मसला आ रहा है यार, मेरी आवाज आ रही है एडम, साहिल 100% आ रही है, मसला उसके पास है, नहीं नहीं मुझे हां मिनट खींच लिया जी जी, मुझे को प्रॉब्लम आ रहा है जी, साहिल भाई दोबारा बताइएगा, मैं बोल रहा हूं ये प्यार मोहब्बत ये फीलिंग है, इसको कोई देखने की बात नहीं करता है, यहां पे अल्लाह देखने की बात कर रहा है जी, मैं बता रहा हूं ना ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फीलिंग है फीलिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं मोहब्बत देख रहा हूं, आप इसको छोड़ें अभी, इसको अभी छोड़ें आप, कि कोई कहता है मसला तो उसी बात पे है ना कि अल्लाह को देखेंगे कैसा, इसको आप कैसा छोड़ दो बोल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर आपको मोहब्बत भी होता है, आपको नफरत भी होती है, आपको किसी पे गुस्सा भी आता है, उसको देखने से कैसे मैच कर रहे हो आप, हाँ मैं बताता हूँ ना, नहीं मैं आपको देखने से मैच नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, हमारा सवाल देखने पे है, सुने ना मैं आपको बता रहा हूं ना, मोहब्बत आपको शरबत पिलाएगी, हाँ मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, मैं आपसे अभी मैं उस पे उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं तो उसकी तावील करूंगा, जाहिर है जब शरबत लाएंगे तो मैं उस चीज की तावील करूंगा, मुझे सिर्फ ये बताया तावील करूंगा, बस तावील करूंगा यार, हाँ तो तावील करते हैं ना, आपने ये कहा था कि आप अल्लाह के मामले में तावील नहीं कर सकते और यहाँ पे आप तावील कर रहे हो, हदीस की मैं कह रहा हूँ तावील करें, कुरान की तावील नहीं कर रहा, अच्छा हदीस की तावील की जा सकती है, कुरान की नहीं की जा सकती, नहीं कुरान की तावील नहीं कर सकते, हदीस की तावील की जा सकती है, मेरा मतलब अल्लाह के मामले में अगर हदीस में लिखा है तो अल्लाह के मामले में आप तावील कर सकते हो, आप ये कह रहे हो, सीधी सी बात बताएं मुझे बताएं कि जो जेलसी है उसका यार, मुझे बताएं, नहीं नहीं रुक जाएं, सिर्फ ये बताओ, एक सेकंड रुके, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, एक सेकंड रुके यार, एक सेकंड रुके, मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ, चले यार बताए जेलसी का कलर, जैसे तुम जैसे डंगरे चाहिए नहीं मुझे, आगे चलते हैं, मुझे बताएं कि आप अशरी स्कूल ऑफ थॉट, तुम इस तरह कह रहे हो, तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे क्रिश्चियन, मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप जो तावील देंगे वो किस स्कूल, यार आप तावील किस स्कूल से देंगे, जेलसी का कलर क्या होता है मुझे ये बताना, मैंने पूछा आप तावील किस स्कूल ऑफ थॉट से देते हैं, मैं उसको बाद आगे आऊंगा ना, मुझे सिर्फ इतना बता, आई नीड टू अंडरस्टैंड यार, लिसन आई डोंट केयर राइट नाउ, क्योंकि मुझे ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड तावीले है ना वो पसंद नहीं है, मुझे आप अपना स्कूल ऑफ थॉट बताएं, आप तावील वो दें प्लीज, आपको दोबारा जगह दी है, मुझे तावील दें, किस स्कूल से ले रहे हैं, अबू हनीफा के स्कूल से ले रहे हैं, इमाम शाफी के स्कूल से ले रहे हैं, या आप ऑर्थोडॉक्सी में जाएंगे और सलफी में जाएंगे, किस जगह पे की बात कर रहे हैं, मुझसे मुझे अपना एंगल दें, जो उम्मत का मुत्तफिका उसके ऊपर अकीदा होगा मैं उसको कहूंगा, प्लीज मुझे मुत्तफिका का अकीदा दिखाएं पहले क्या है, प्लीज स्पीक ऑन द मुत्तफिका, मेरे पहले सवाल का जवाब दें आप, मुझे नहीं नहीं आई डोंट केयर, मुझे मुत्तफिका पहले अकीदा दे दे ताकि मैं समझूं आप क्या लगेगा ना, मुझे मुत्तफिका अकीदा दे दे भाई, हाथ जोड़ता हूँ, मुत्तफिका अकीदा क्या है वो बताएं पहले,
کیا متفق عقیدہ؟ اللہ ایک ہے، یہ متفق عقیدہ ہے۔ اوکے، کہاں پہ ہے اس کا عقیدہ دینا مجھے آپ نے؟ ویئر از اللہ یہ عقیدہ دے متفق؟ اس کے اوپر کیونکہ یہ متشابہات میں ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی عقیدہ بنا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ متفق عقیدہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں، رائٹ؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں متفق عقیدہ ہے کہ نہیں، کس چیز پہ؟ اللہ کہاں ہے اس کے اوپر؟ اس پر کوئی متفق عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس پر عقیدہ نہیں بنانا۔ بس ختم۔ تھینک یو سو ویری مچ کہ جناب ہمیں، ساحل صاحب ہمیں جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے کہہ دیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی، جب انہوں نے متشابہات بولا ختم ہو گیا معاملہ، یہ پرو نہیں کر سکتے، ختم بات۔ دیکھیں، ہم سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم جو بھی تاویل دیں وہ متفق عقیدے کے اوپر ہو، جبکہ جو ہمارا سوال ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں متفق عقیدہ دے ہی نہیں سکتے۔ لائک امیجن دیٹ۔ تو ہم سے کس حساب سے آپ متفق عقیدہ مانگتے ہیں؟ ہم تو وہ دکھائیں گے جو آپ کے ارلی اسکالر۔ میں سلفی اسکول آف تھاٹ کو پسند کرتا ہوں، کیوں؟ وہ آرتھوڈاکس ہیں، وہ اوریجنل کے پاس جاتے ہیں، اینڈ آئی ایکسپٹ دیم بیکاز دے آر نیئر۔ اچھا چلے، بہت بھی زیادہ دور جانا نا تو میں اشری اور متزلائیت کے، چلو متزلائیت کو چھوڑ دیں، چلو میں کم از کم اشری اسکول تک تو رہو نا، کم از کم اشری تک تو رہو، اس کے بعد تو آپ جو مرضی تعویل بناتے رہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ کیوں ساحل صاحب؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، مسلم بینگ نے ہمیں جواب دے دیا ہے 100%۔ ساحل صاحب، ان سے کوئی لاسٹ کمنٹ لینا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ مزید تو دے نہیں سکتے۔ ہو گیا یار، گیم پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگر کوئی ایڈم، کوئی بھی اگر مومن لاسٹ میں اگر متشابہات والی بات کر دے، دیٹ مینس کہ وہ اب لاجیکلی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، بس ختم ہو گئی بات۔ بات ختم۔ اچھا، چونکہ انہوں نے اتنی لمبی بات کی تو میں نے دو منٹ دوں گا، یہ اپنی آخری حجت رکھ لیں اور پلیس کر لیں، مورل دا سٹوری دے دیں ان کی اتنی لمبی بات کی، وہ اس کے بعد جو ہے نا ہم پھر یہ بات ختم کریں گے۔ سر، آپ کے پاس لاسٹ مورل دا سٹوری جو دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے لاسٹ منٹ، اب آپ کے پاس چونکہ اس کا جواب نہیں ہے میری، اور جواب نہیں ہے سر، آپ کا جواب آ گیا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، لہٰذا ڈائریکٹ اٹیک نہ کیجیے گا، اپنی لاسٹ اسٹیٹمنٹ رکھیں۔ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا ہوں، جو مسلمان سن رہے ہیں ان کو شاید آپ کی طرف سے کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ مل جائے، شاید آپ نے میرے خیال میں مجھے دو منٹ دیے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اگر اس دو منٹ میں آپ نے میرے پہ کسی پہ اٹیک کیا پرسنل، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا دوں گا، پرسنل اٹیک کرتا ہے۔ اصل مدعا رکھ دیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں پلیز۔ جی، اب مجھے بولنے دیجیے گا، میں پرسنل اٹیک نہیں کر، پرسنل اٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو مخاطب کر کے کچھ بات، میں جنرل اپنی گفتگو کو ریپ اپ کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ایک چیز ہوتی ہے محکمات اور ایک چیز ہوتی ہے متشابہات۔ جب ساحل بھائی نے یہ کہا کہ متشابہات کے اوپر جب کوئی بندہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی گفتگو رکی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ متشابہات کے بارے میں ہمیں قرآن میں تعلیم دی گیا ہے کہ آپ نے متشابہات کی طرف نہیں جانا، کیونکہ وہ وہاں جاتے ہیں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ ہم محکمات پہ بیعت کرتے ہیں، جو چیز محکمات ہے وہ اس دنیا سے متعلق ہے، جو آخرت سے متعلق ہے متشابہات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جو میں نے آپ بھائیوں سے بھی کہی، اور میں مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا لاجیکل آنسر نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، ابھی تو میں نے اور بھی سوال کرنے تھے، ابھی تو میں نے جیزس کرائسٹ کے متعلق بھی سوال کرنے ہیں، جو کہ آپ ایڈم سیکر بھائی آپ چونکہ کرسچن ہیں تو اس حوالے سے بھی سوال بنتے ہیں جو کہ لاجیکل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لاجیکل نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک بار اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد تین دن بعد دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جائے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیزوں کے، ہر چیز میں لاجک نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ باقی آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے، باقی آپ اپنی جیت کا جشن منائیں۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، میری طرف سے آپ کو آزادی ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ جڑے جاتے جاتے صرف یہ دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے، سنیے گا، آپ کو انجوائے کریں گے۔ اور لاجک بھی ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں 8 ڈفرنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں، سچی کون سی ہے، اور حدیثوں کو ملا کے، قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کے 8 باتیں لکھی ہوئی ہیں، سچی کون سی ہے۔ وہ کرتے جاتے تھے، سن لیں، آپ نے اپنا 1 منٹ رکھا، میں اپنا 1 منٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گا، مولویوں کو دوں گا۔ Muslims historically have gone astray concerning this issue. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought. Where's Allah? What is this guy talking about? This is weird. Why would someone discuss this? I've never heard this before. So you thought it was strange. But what's really strange is the fact that you feel strange. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand, so you don't talk about it.
where is Allah is an extremely important issue. This is one of the most important things in a human, in a Muslim's life. Because according to many of the scholars, many, if you have wrong understanding, you may not even belong to Islam. Where is Allah is extremely important, foolish question.